लोकसभा हलका संगरूर तो जित दर्ज करने वाले भगवंत मान हुण पार्लीमेंट तो फुरसत मिलन मगरों हलके दे पिंडां विच जाके जिथे वोटरां दा धन्नवाद कर रहे ने उत्थे ही ओह उहनां दीआं मुश्किलां वी सुण रहे ने। धूरी दे दर्जना पिंडां दा दौरा करदिआं भगवंत मान ने वोटरां नाल राबता कायम करन तों इलावा मोदी सरकार नूं वख-वख मुद्दिआं दे उत्ते जम के घेरिआ। संगरूर तो लोकसभा मैंबर भगवंत मान अजकल अपने इलाके दे पिंड पिंड जाके आम लोगों के नाल राबता कायम कर रहे हैं, उन्होंने पेश आ रही समस्यावां संबंधी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। उन्हों का कहना है कि वह अपनी जित दे लई वोटरां दा धन्नवाद करन दे लई इह दौरे कर रहे हैं। इराक दे विच फसे पंजाबी जिन्हां विच धूरी का प्रितपाल शर्मा भी है, उस बारे पूछे जाण उत्ते भगवंत मान ने कहा कि वह लगातार उन्हां दे परिवारां दे संपर्क विच ने, यह मुद्दा उन्हां वल्लों पार्लीमेंट दे विच भी चुकिया गया। होशियारपुर नेड़ले पिंड दा परमिंदर नाम दा नौजवान जिसका भरा अते दो जीजे भी इन्हां नौजवानां दे विच शामिल ने अते ओह खुद भी 10 साल इराक दे विच रह के आया। भगवंत मान वालों उसकी मुलाकात सुषमा स्वराज दे नाल करवाई गई। उन्हां दस्सिया कि सरकार इन्हां परिवारां नूं कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही अते इह परिवार कह रहे ने कि सरकार वालों उन्हां नौजवानां दे ठीक होण दा भरोसा तां दित्ता जा रहा है, पर जेकर ओह उन्हां दी इक वार गल करवा देण तां उन्हां नूं यकीन आ जाएगा कि उन्हां दे परिवार ते इह नौजवान सही सलामत हालत दे विच ने। भगवंत मान ने कहा कि जो भी जानकारी उन्होंने कोल हुंदी है वह विदेश मंत्री नूं पहुँचा देंदे ने, अते जिवें जिवें समां बीतदा जा रहा है इन्हां परिवारां दीआं उम्मीदां भी घटदियां जा रहियां ने। उन्हां अपील की कि सरकार नूं चाहिए कि अपने अंबैसडरां दे नाल गल करके इन्हां नौजवानों नूं जल्द तो जल्द वतन वापस लिया जाए। 2 महीने का लगभग सैशन सीगा पार्लीमेंट का, तो बिच नवे चुने हुए एम पियां दे जिहड़े काफ़ी कैंप लगते हैं ट्रेनिंग कैंप, तो इस करके हुण जदों भी मैनूं मौका मिलिया मैं सारे पिंडां जा रहा जिन्हां लोगों ने मैनूं इन्ना प्यार दिता है, इन्ना कर्जा मेरे सिर चढ़ाता प्यार का कि कई जन्म शायद मैं इस कर्जे नूं उतार ना सकां। तो पिंडों के कल्ला धन्नवाद ही नहीं, मुश्किलों से समस्यावान भी जिड़िया आ रही ने लोगों को भी मैं अर्जियां लै रहा। असी उन्होंने परिवार के संपर्क चाहे प्रतिनिधि उत्थे जाके भी आए हैं, वो जिहड़े परिवार ने उन्हों का मैं मुद्दा बहुत बारी पार्लीमेंट उठाया, जिहड़ा एक मुंडा उन्होंने है वह इत्थे है मुंडा, वह हुशियारपुर को पिंड है, वह परमिंदर है वह नाम मुंडे का, वह एक भरा तो दो जीजे वह ने, वह आप खुद 10 साल इराक रह के आया, वह अरबी बोल लैंदा। मैं सुषमा स्वराज जी ने उन्होंने मीटिंग कराई सी, पर सरकार जी है वह लारे ला रही है। मेरे ख्याल 15 जून तो उन्होंने गल नहीं हुई, 15 जून तो उन्होंने गल नहीं हुई, 70-80 दिन हो गए, तो सरकार कह रही है ठीक ने जी, वो अखबारों खबर आ गई कि शायद मारते सर, फिर असं मैं मुद्दा उठाया पार्लीमेंट, सरकार कहती ठीक ने, जे ठीक ने मतलब सरकार के संपर्क च ने, जे संपर्क च ने वो परिवार कहते भावें 3 महीनों बुला लियो इंडिया पर कि ना साड़ी गल तो करा दो। सो क्योंकि इन्हों का मामला जोड़ा वो जुड़िया हुआ विदेश मंत्रालय नाल, सो मैं थ्रू चैनल चलदा, मैं विदेश मंत्री को सारी इनफॉर्मेशन दे दिना कि आया है, तो पर हुण जिस तरह का उन्होंने दिल टुट रहा है उन्होंने 40 दे 40 परिवारों का, तो मैं जंतर मंत्र भी उन्होंने लैके गया, केजरीवाल जी ने भी मिलाया, हुण उन्होंने दिल टुट रहा है क्योंकि जो जो टाइम लंघी जाता है आसा मध्यम पैदा जाए ने। सरकार को चाहिए इमीजिएटली सानू दसण वो कि उन्हों का होया, कितों पता करन, कितों अपने अंबैसियां तो या अंबैसडर तो पता करन कि उन्हों का की बनिया। धूरी नेड़ले दर्जना पिंडां विच वोटरां दा धन्नवाद करन पहुंचे भगवंत मान ने, जिथे मोदी दे चंगे दिन आने वाली टिप्पणी उत्ते शब्दी वार किते, उत्थे ही उन्हां कहा कि देश दे प्रधानमंत्री बनन तो पहलां मोदी अपने भाषण विच कहिंदे सन कि पाकिस्तान नूं अजिहा नहीं करन देणगे अते देश विच फिर तो चंगे दिन आ जाणगे, पर हुण चंगे दिन आने तां दूर, पाकिस्तान साडे देश दीआं सरहदां उत्ते घुसपैठ कर रहा है अते सीज़ फायर दा लगातार उलंघन किया जा रहा है। उन्हां कहा कि मोदी जी चुप बैठे ने अते जवाब देण दी जगह नेपाल ब्राज़ील घूम रहे ने। भगवंत मान ने कहा कि जिहड़े चंगे दिन आउण दा सुपना अते बुलेट ट्रेन चलाउण दा सुपना दिखा के उन्हां वल्लों वोटां लईआं गईआं सन उह सारे सुपने हुण टुट चुके ने। उन्हां कहा कि आम लोग भी इह जाण गए ने कि हुण अच्छे दिन नहीं आउण वाले। मोदी साहब बहुत अपने भाषणों में कहते थे कि पाकिस्तान मनमर्जी कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, उसके बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने अभी किया है वो बहुत चिंताजनक है। हर रोज़ 22-22, 25-25 चौकियों पर फायरिंग हो रही है, सीज़ फायर की उल्लंघना हो रही है, कोई बयान नहीं आता इनका, ये बस अपना देश में घूम रहे हैं, कभी नेपाल जाते हैं कभी ब्राज़ील जाते हैं। मेरे ख्याल में
जो सपने दिखा के इन्होंने वोट लिए थे वो सपने टूट चुके हैं। लोगों को समझ आ गई कि ये हमें सपने बेच गए, ये बुलेट ट्रेन की बातें करके ये सपने बेच गए। तो इस वक्त देश में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बना हुआ है और मेरे ख्याल में मोदी सरकार हर फ्रंट पर फेल हो रही है। ये रिसेंट जो अभी इलेक्शन हुए थे उनमें भी पता चल गया कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। सो संगरूर लोक सभा हलके तो वड्डी लीड नाल जित हासिल करन वाले भगवंत मान हुण अपने हलके दे वोटरां नाल राबता कायम करके उन्हां दा धन्नवाद करन दे नाल नाल मुश्किलां संबंधी भी जानकारी हासिल कर रहे ने। इस दे नाल ही जिथे भगवंत मान केंद्र सरकार नूं वख-वख मुद्दिआं उत्ते घेरन दी फराक विच रहिंदे ने, उत्थे ही अपनी हाजर जवाबी अते कॉमेडी कला जरिए नवें नवें कमेंट करके जां कवितावां बना के भी सुरखियां बटोर रहे ने। धूरी तों हर्ष कौशल दे लई कुलदीप सग्गू, डीएन नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।